छुट्टी हमने यहाँ ओपीएस की दी थी, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही थी, उस प्रकार की गारंटी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में कर्नाटका कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में कुछ करने के लिए आए हैं, तो आप ये एश्योरेंस दीजिए कि जो आप लिख कर दे रहे हैं उसको आगे करना है। और उस एश्योरेंस को लोगों ने सुना, राहुल गांधी ने वो अत्यधिक प्रचार किया, प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियों ने से कर्नाटका का माहौल बदला, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रैलियाँ की उसने कर्नाटका में कांग्रेस के पक्ष में वोट मतों का रुझान बदल कर रख दिया है। मैं कर्नाटका के सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के हमारे राज्य के नेता, जो भी राज्य के नेता है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक जिम्मेवारी और कर्तव्य और दायित्व कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर थोपा है, उसके लिए हम सब लोग उनकी खुशी में अपने को शामिल करते हैं और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत मुक्त कांग्रेस की बात करते थे, इस लोकतंत्र में ये साबित कर दिया है कि विपक्षी पार्टी कोई भी हो, हिंदुस्तान की जनता जब बदलाव करने पर आती है तो बड़े से बड़े बदलाव को भी वो अपना सहयोग देती है। जिस प्रकार शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, आज तक जितने भी शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं 85 के बाद से, सभी चुनावों में इस बार जो कांग्रेस पार्टी को सीट्स मिली, किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, 24 सीटें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी को इस बार मिली। यहाँ के लोगों ने बदलाव किया और मुझसे कर्नाटका में भी सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ भी चुनाव हाथ के निशान पर हो रहा था। पिछले 10 साल से जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमारे 24 काउंसलर चुनकर आए, मैंने जब उन्हें कहा कि वहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव भी सिंबल पर हुआ है, तो वहाँ के लोग एकदम तबक से बोल देते थे कि कर्नाटका में इस बार हम इतिहास बदलेंगे, और आज उन्होंने कर्नाटका में एक इतिहास बदल कर नया इतिहास रचा है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं जब 4 तारीख को यहाँ परिणाम आने के बाद कर्नाटका गया, तो बेंगलोर में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था और मैं वहाँ के लोकल लोगों से जब मिला, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। और उस दृष्टिकोण से जब हमने कर्नाटका के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है, सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने वहाँ सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटका के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं गया। और जिस जगह मैं हुगली में गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहाँ रैली में उपस्थित थे, उस समय जब शाम को वहाँ रैली हो रही थी तो लाखों की भीड़ वहाँ थी, और हुगली के जिस स्टेशन्स में हम गए वहाँ तकरीबन बीजेपी का गढ़ था, और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे
उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उस समय भी लोगों में उत्साह नजर आ रहा था और आज के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस ढंग से राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, उनकी सदस्यता को रद्द करना, राहुल जी का बंगला खाली करवाना, वो सारा देश देख रहा था और कर्नाटक की जनता ने उसका पूरी तरह जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिन जो है वहाँ पे अंतिम दौर में प्रचार के लिए लगाए और बहुत बड़ी धन शक्ति का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ और हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ प्रचार में गए हुए थे और कांग्रेस पार्टी के कदम अब जो है रुकने वाले नहीं हैं और 2024 को जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हमने यहाँ भी चारों सीटें जीतनी है, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है और देश में राहुल गांधी जी को देश का जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब हम निर्णायक लड़ाई के लिए उतरने वाले हैं। और यहाँ पे हम 3 जीतें हमारी लगातार हुई हैं। पहले माननीय प्रतिभा सिंह जी सांसद बने और हमारे 3 विधायक बने, उसके बाद हम 40 सीटें जीते, उसके बाद हम नगर निगम जीते और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई आप सब ने लड़ी, हमारे वर्कर्स ने लड़ी, प्रदेश की जनता ने लड़ी। और जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने की, जिस जो घोषणा पत्र बनाने का तरीका, वो सब चीज़ें जो हैं हमारा मॉडल कर्नाटक में भी अडॉप्ट किया गया और वहाँ भी हमें जो जीत मिली है उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है, 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब कर्नाटक तक पहुंच गई हैं और बहुत बड़ा योगदान हमारी लीडरशिप ने दिया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी ने वहाँ प्रचार किया, राहुल गांधी जी ने प्रचार किया और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ प्रचार किया और बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ सारी रैलियाँ और कार्यक्रम वहाँ पे हुए। और आने वाले समय में जो अगले साल के दौरान, इस साल के दौरान 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इन 2 जीतों का असर जो है आने वाले समय में पूरे देश में पड़ेगा। 2024 के लोकसभा के चुनावों पे पड़ेगा। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, उनकी सदस्यता को रद्द करना, राहुल जी का बंगला खाली करवाना, वो सारा देश देख रहा था और कर्नाटक की जनता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री, धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी,